2019 आईपीएल में 30 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया मुकाबला अब विवादों में फंसता जा रहा है। यह मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ने सुपर ओवर के दौरान जीत लिया था, लेकिन ऋषभ पंत का एक वीडियो वायरल हो गया है जिससे काफी विवाद छिड़ते जा रहा है। दरअसल चौथे ओवर में संदीप लामिछाने गेंदबाजी कर रहे थे और रॉबिन उथप्पा बल्लेबाजी करने आए। लामिछाने ने फील्डिंग भी सजा ली, लेकिन विकेट के पीछे से ऋषभ पंत ने कहा कि ये तो वैसे भी चौका ही है, तू गेंद कर। इसके बाद ठीक हुआ भी ऐसा ही। इस गेंद पर रॉबिन उथप्पा ने गेंद को कवर की तरफ खेलते हुए सीधे 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार यह वीडियो वायरल होने लगा और ऐसा माना जा रहा है कि यह मैच फिक्स किया गया था। हालांकि बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इस पूरे मामले को गलत बताया है। ऋषभ पंत के इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही।